आप एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और विषय समाज शिक्षा परिचर्या बोध का वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा और परिचर्या बोध, इसकी इकाई 4। जी हाँ, इसकी अंतिम इकाई यानी कि चौथी इकाई आपके सामने लेकर आए हैं। बिना समय गंवाए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलनी चाहिए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पढ़ने मिलेगा इकाई 4 के अंक विभाजन। जी हाँ, इसमें कैसे अंकों के कितने अंकों के कौन से प्रश्न आएंगे ये बताऊंगा। दूसरी बात, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ उत्तर कौन होंगे ये भी बताऊंगा, उन प्रश्नों के उत्तर कौन से होंगे भी बताऊंगा। साथ ही साथ आने वाली डीएलएड की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कौन से आएंगे ना वो भी बताऊंगा, और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने ये भी बताऊंगा। तो वीडियो मिस मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिल जाएगी। जी हाँ, आपको हर विषय की वीडियो मिलेगी, आप सभी विषयों की तैयारी बहुत ही फ्री में कर सकते हो वीडियोस को देखकर। और अगर आपको इन सब्जेक्ट के, इन विषयों के नोट्स चाहिए, डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप अच्छे प्रतिशत बनाना चाहते हो, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप नोट्स खरीद सकते हो, नोट्स परचेस कर सकते हो। बहुत ही कम दाम में आपको सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे से, जिससे आप पढ़कर आने वाली डीएलएड की परीक्षा में 80-90% हासिल कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर रख दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस विषय समाज शिक्षा और परिचर्या बोध जिसकी इकाई 4 की बात करने वाले हैं तो उसका अंक विभाजन क्या है। तो बात करें इसके अंक विभाजन की, तो इसके अंक विभाजन भाई इसमें 15 अंक आवंटित है, इस पूरे इकाई पर, इकाई 4 जो कि अंतिम इकाई है उस पर 4 अंक आवंटित है, सॉरी माफ कीजिएगा 15 अंक आवंटित है इकाई 4 पर। 15 अंक आपको मिलेंगे अगर एक इकाई पढ़ लोगे तो, और ये एक वीडियो 15 मिनट की देख लो ना भाई, आपको 15 अंक कंफर्म है गारंटी के साथ, जिसमें से भाई एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। तो आपको अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी है तो यहाँ पर देख लो भाई, एक नंबर के 3 प्रश्न यानी 3 आएंगे एमसीक्यूज, उसमें से एक वाक्य वाला उत्तर रहेगा, एक रिक्त स्थान रहेगा और एक रहेगा वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 3 आएंगे। याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा लेकिन मैं बताता हूँ कहाँ पर क्या आएगा। दूसरा भाई, 2 मार्क्स के लिए एक प्रश्न आएगा, यानी अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट जो आता है ना वो एक आएगा प्रश्न। साथ ही साथ 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी जो लघु उत्तर प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के, जिनके उत्तर 45 शब्दों में लिखने होते हैं, वो 2 आएंगे आपको, ठीक है। और एक 4 नंबर का, जिसका उत्तर 75 शब्दों में लिखना होता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12 और 3, 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित है इकाई 4 पर। अब बात कर ली अंक विभाजन की, चलिए बिना किसी देर के सीधे पढ़ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वस्तुनिष्ठ उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला, बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? विद्यालय की। जी हाँ, बालक के समाजीकरण में, ये बार बार हम पढ़ते हैं, पहले से आपने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा होगा। तो बालक के समाजीकरण में जो प्रमुख भूमिका होती है वो किसकी होती है भाई? विद्यालय की। विद्यालय का जो माहौल होता है उसी से बच्चा सोशलाइज्ड होता है, समाजीकरण उसका हो जाता है। दूसरा, परिवर्तन नियम है भाई किस चीज का? प्रकृति का। परिवर्तन जो नियम है भाई किस चीज का नियम है? प्रकृति का नियम है। ये आपको ध्यान रखना कि प्रकृति का नियम, अब इसी की तरह एक कहावत है, परिवर्तन ही नियम है। किस चीज का नियम है भाई? कमेंट कर दीजिए, आप आम बोलचाल की भाषा में कौन सा कहावत इस्तेमाल कर दीजिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला देखिए, ज्ञान के स्रोत होते हैं भाई 4। कितने स्रोत होते हैं? ज्ञान के स्रोत होते हैं 4। अब ये ध्यान में रखना है कि ज्ञान के स्रोत अलग हैं, ज्ञान के प्रकार अलग हैं, ज्ञान के उपकरण अलग हैं, और ये अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रकार पूछा है तो स्रोत लिख के आ गया, स्रोत पूछा तो प्रकार लिख के आ गया, ऐसा नहीं। स्रोत पूछा तो स्रोत लिखिए, प्रकार पूछा तो प्रकार लिखिए, और उपकरण पूछा तो उपकरण लिखिए। तो ज्ञान के स्रोत होते हैं कुल 4। अगला देखिए, शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को। जी हाँ, शिक्षक अपने संतुलित यानी कि बैलेंस्ड व्यवहार, संतुलित व्यवहार से समाज को प्रभावित करता है। शिक्षक जो होता है वह अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा समाज को बहुत ही प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? जो संस्कृति होती है वो किन तत्वों से मिलकर बनी है? किन तत्वों का संग्रह है संस्कृति? तो संस्कृति जो है वह मानव द्वारा निर्मित, इंसान के द्वारा बनाए गए भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह है, फिजिकल नॉन फिजिकल, है ना, रियल वर्चुअल, ऐसा कुछ, ये ध्यान रखेंगे आप। तो संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का, ठीक। अगला,
पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट का संबंध है भाई। पढ़ाने वाला शिक्षक, पढ़ने वाले बालक छात्र, तो इनके बीच तो गहरा संबंध तो होगा ही होगा। तो भाई पाठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट यानी कि गहरा संबंध है। अगला, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही ज्ञान है। अगर किसी वस्तु के बारे में आपको जानकारी है तो वही ज्ञान है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसके बारे में जानता हूं, इसमें इंक कैसे भरते हैं, इसकी ये कहां से खरीदते हैं, ये कैसे अच्छा चलता है, कभी खराब हो जाता है, तो इसकी जानकारी मुझे है, तो इसकी जानकारी मुझे है, इसका मतलब इस पेन के बारे में मुझे क्या है, ज्ञान है। ठीक, तो यही बात। तो किसी वस्तु के संबंध में जानकारी होना ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अगला देखिए, जॉन लॉक जो है वो आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। किस ज्ञान के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है उसकी साइड लेना, उसका फेवर करना। तो जॉन लॉक कौन से ज्ञान का साइड लेते थे, इनको लगता था कि आगमनात्मक ज्ञान जो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जॉन लॉक आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे, जॉन लॉक। ऐसे घुमा फिरा के पूछ दिया तब भी आपको आना चाहिए। तो आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक जॉन लॉक थे। अगला, पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होने चाहिए। ठीक, अगला, एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होता है, तो एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है वो संलग्नशील, वृद्धिशील और विकासशील होता है। जी हाँ, एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील एवं विकासशील होना चाहिए। ध्यान रखना आपको कि भाई एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील और विकासशील होना चाहिए। तो ये हो गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाई, वस्तुनिष्ठ वाले। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इसलिए कि आप भूलेंगे नहीं, तो मेरे साथ बोलो, बोलते चलो जो मैं पढ़ाता हूँ शॉर्ट में, तो आपको कभी भूलना भी नहीं पड़ेगा, आराम से याद कर लेंगे, अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। परिवर्तन नियम है प्रकृति का। ज्ञान के स्रोत है चार। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है समाज को। संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है, तो मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। पाठ्यचर्या और शिक्षक में निकट संबंध है। किसके बीच निकट संबंध है, तो पाठ्यचर्या और शिक्षक के बीच। फिर किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है, किसी वस्तु के संबंध में होना जानकारी, जानकारी का होना ही ज्ञान है। जॉन लॉक आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। जॉन लॉक किस ज्ञान के प्रवर्तक थे, आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पाठ्यचर्या, ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए। अगला, एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील होना चाहिए। जी हाँ, एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील और विकासशील होना चाहिए। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो अगर आपको ये मेरे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करो कि अगला विषय कौन सा लाऊं, अगले विषय कौन से विषय का वीडियो मैं बनाऊं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद, हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ। कौन से महत्वपूर्ण है उनको देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको 3 और 4 नंबर दिलाकर जाएंगे। तो देखिए यहां पर पहला, सृजनात्मक के आयाम बताइए भाई। सृजनात्मक के आयाम कितने होते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सृजनात्मक के 4 आयाम होते हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया 2 नंबर के लिए, तो आप सीधे लिख देना सृजनात्मक के 4 आयाम होते हैं, प्रवाह, नम्यता, मौलिकता, विस्तार, 4। अगर आपको 3 नंबर का पूछा, तो इसको लिख के एक एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूं अभी मैं आपको, रुको जरा सबर करो। और आपको पूछ दे मान लीजिए 4 नंबर के लिए, तब भी आप क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि सृजनात्मक के आयाम निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश दीजिएगा, नंबर 1 प्रवाह, फिर डैश देखिए लिखिए प्रवाह मतलब फ्लुएंसी। किसी भी कार्य में अगर हम प्रवाह हित रहेंगे, बार बार वो काम करते रहेंगे, लगातार करते जाएंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी, तो हम सृजनात्मक रूप से सफल हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 नम्यता, फिर उसको भी ऐसे एक्सप्लेन कीजिए 4-5 लाइन में। नंबर 3 मौलिकता, उसको भी 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। नंबर 4 विस्तार, डिटेल है ना, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां बतलाइए। यथार्थ मतलब रियल नॉलेज, असली ज्ञान प्राप्त करने का विधि, तरीका बतलाइए। तो भाई यथार्थ ज्ञान, असली ज्ञान को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां निम्नलिखित तो दी गई हैं। डैश नंबर 1 विश्लेषणात्मक ज्ञान, भाई विश्लेषण करके, खूब गहन अध्ययन करके, रिसर्च कर, खूब आपने गहन अध्ययन किया, खूब पढ़ा, खूब सुना दूसरों से, है ना, लेकिन फिर भी आपको वो, आप उसी को मान लो कि हाँ यही सही है, वो ज्ञान मिल गया। लेकिन आप क्या करो, किसी चीज के बारे में पता चला, उसके बारे में खूब जांच पड़ताल करो, दूसरों से पूछो, बयान लो, सबूत देखो, खूब समझो, उसके बाद जानो, एक डिसाइड करो कि हाँ ये मत है, ये बात सही है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं कि डायनासोर थे पहले, तो ये सब बोलते हैं इसे मान ले, या फिर हम जांच पड़ताल करें, तो जांच पड़ताल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें डायनासोर की हड्डियां, कंकाल मिलेंगे, तो हाँ ठीक है, सही है। तो इस तरह के ज्ञान को वैज्ञानिक जांच पड़ताल कहते हैं। ठीक, तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधियां हैं,
यथार्थ ज्ञान प्राप्त की विधियां निम्नलिखित दी गई है। नंबर वन विश्लेषणात्मक दर्शन फिलोसफिकल, नंबर टू वैज्ञानिक जांच पड़ताल, जी हाँ वैज्ञानिक रिसर्च जो होता है साइंटिफिक रिसर्च वो। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञान के प्रकार तथा उपकरण बतलाइए। भाई ज्ञान के जो प्रकार होते हैं, अब यह ज्ञान का स्रोत था चार, तो ज्ञान के प्रकार की बात थोड़ी, प्रकार थोड़ी ना चार है ना, स्रोत चार है, प्रकार तो भिन्न है, प्रकार तो हमारे पास तीन ही होते हैं। और फिर बात करें उपकरण की, तो उपकरण पांच होते हैं। ज्ञान के स्रोत चार, ज्ञान के प्रकार तीन, ज्ञान के उपकरण पांच, याद रखिएगा अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए तो ज्ञान के प्रकार देख लीजिए भाई, आगमनात्मक ज्ञान अभी पढ़ा था हमने जॉन लॉक की वाला, जॉन लॉक। दूसरा प्रयोग मूलक, प्रयोग करके सीखना। तीसरा प्रागनुभव, अपने अनुभव के द्वारा सीखना। जी हाँ, तो ये तीन प्रकार के क्या है, ज्ञान के प्रकार है। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान के स्रोत चार होते हैं लेकिन ज्ञान के प्रकार तीन होते हैं। कौन से तीन प्रकार? आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोग मूलक ज्ञान और प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है, प्रागनुभव ज्ञान। अब बात करते हैं ज्ञान के उपकरण की। भाई ज्ञान के उपकरण कौन से, मतलब किन तरीकों से, किसके मदद से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। नंबर एक संवेदात्मक, यानी कि इंद्रिय, यानी भाई अपने सेंस ऑर्गन्स, अपने इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छूकर, देखकर, सुनकर, बोलकर, है ना, तो ये इंद्रियों की सहायता से। दूसरा अंतःप्रज्ञावाद, यानी स्वयं की समझ से, अपने इंटरनल, अपने अंत अंदर समाई हुई समझ बूझ बुद्धि से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तीसरा दैवीय ज्ञान, भाई जो प्राप्त हो हमें किसी और से, दैवीय ज्ञान। फिर सततवादिता, यानी बार बार उस चीज को दोहराते रहो, बार बार उसको बोलते रहो, कहते रहो, तो आप सीख जाओगे। पांचवा बुद्धिवाद, अगर आप बुद्धिवादिता है, यानी आप बुद्धिमान है, आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप सीख जाएंगे। तो ज्ञान के जो उपकरण है पांच है, संवेदात्मक इंद्रिय, दो अंतःप्रज्ञावाद, नंबर तीन दैवीय ज्ञान, नंबर चार सत्तावादिता, है ना, और पांचवा जो है बुद्धिवाद। तो ये हो गए ज्ञान के उपकरण। तो यहां पर मैं आपको बता दिए, जैसा मैंने कहा था ज्ञान के स्रोत चार होते हैं, ज्ञान के प्रकार यहाँ पर तीन है भाई, और ज्ञान के उपकरण पांच है, तो इनको ध्यान से रखिएगा। तो इन्हें आप पूरा मार्क कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसे रोक कर पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक कर पूरा लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हूं, वीडियो रोक लीजिए और लिख लीजिए, सारे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो आपको दिखा है 10 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट प्रश्न उत्तर है। तो ये आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली डेट की परीक्षा में आपको 15 अंक दिलाकर ही जाएंगे गारंटी के साथ। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नया हैं, अन्य विषयों को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिल जाएगी और आप सारी पढ़ाई बहुत ही आसानी से फ्री में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट चाहिए, डेट की परीक्षा में आप 80-90% हासिल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिन्हें पढ़कर हमारे कई छात्रों ने 80-90% बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।